अल्लाह सुभान व तआला ने जिब्रील अमीन के जरिए प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। क्या बताया? कलमंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है, जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। अच्छा, ये बताया किसने है? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया? जिब्रील अमीन ने। और जिब्रील अमीन को किसने बताया? अल्लाह सुभान व तआला। और दूसरा दाना मेरे मोहतरम भाइयों, दूसरा बीज मेथी दाना है। दूसरा कौन सा दाना है? मेथी दाना। इमाम ने कईम ने ज़ादुल माद के अंदर लिखा है, अगर लोगों को पता चल जाए ना इस मेथी दाने के कितने फायदे हैं, वल्लाह लोग इसको सोने के बस खरीदे, लोग इसको सोने के बस खरीदे। जितने लोगों को कोई भी बीमारी है, और ये सिर्फ मैथोस्पर्मिया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने हर मरीज को ये देता हूँ, उसे कहता हूँ ये खा के देखो। दो बातें हैं। अच्छा, बताने वाले कौन है? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताने वाले प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 ग्राम कलमंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो, दोनों को मिक्स कर। मेरे मोहतरम भाइयों, किसी को शुगर है, किसी को हेपेटाइटिस है, किसी औरतों के अंडे नहीं बनते, औरतों के अंडे कमजोर हैं, उनके फॉलिकल्स कमजोर हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, पीरियड्स का मसला है, जोड़ों का दर्द है, हेपेटाइटिस है। मेरे मोहतरम भाइयों, कोई बीमारी है, 45 दिन इसको इस्तेमाल करके दे दो, इसको आपको खुद पता चल जाएगा कितना फायदा होता है। 100 ग्राम कलमंजी, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो, 5 गिलास पानी में 3 चाय के चम्मच ये दोनों में डाल दो। 100-100 ग्राम दोनों ले लिया, मिक्स किया, 3 चाय के चम्मच डाले, 3 चम्मच उसमें गुड़ मिला लो, अगर शुगर है तो गुड़ ना मिलाओ, और 3 चम्मच उसमें लेमन मिला लो, बड़े लेमन नींबू, और इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ मिट्टी की हांडी में, 5 गिलास पानी 4 गिलास कर। और मेरे मोहतरम भाई, इसको मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के जग में डाल के रख दो, ताकि ये मिट्टी का बर्तन इसकी गर्मी को अपने अंदर जज्ब कर ले, क्योंकि हम जिस खत्ते में रहते हैं ये गर्म पानी की जमीन है, और गर्म चीज हमें सूट करती नहीं है, तो इसकी तसीर ठंडी हो जाएगी। 1.5 ग्लास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम, खाने से आधा घंटा पहले पियो, खाने से आधा घंटा पहले पियो।